कराची सफाई मुहिम में लियाकत आबाद नजरअंदाज, उबलते गटर और कचरे के अंबारों से मकीन परेशान। जिला शर्की जनूबी मलीर में भी कचरा ताखीर से उठने की शिकायत, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। मसला ये है कि अगर केपीटी के एरिया में भी कचरा है तो वो भी मुराद अली शाह के गले में है, अगर कैंटोनमेंट के इलाके में कचरा है वो भी मुराद अली शाह के गले में। अब चले ठीक है, ये चैलेंज है तो मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। कराची से एक माह में कचरे के खात्मे का चैलेंज वजीर आला सिंध ने कबूल तो किया मगर पूरा ना कर सके। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके कचरे की जद में है। क्लीन कराची मुहिम अमली तौर पर मुअत्तल नजर आती है। लियाकत आबाद का इलाका ही देख लें, कचरे के पहाड़, टूटी सड़कें, उबले हुए गटर मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रहे हैं। बिल्कुल बुरा हाल है, मतलब स्वीपर आते ही नहीं है और मेरा ख्याल गोश्त मुलाजमी ने सैलरी जा रही है सब। गटर लाइनें फुल हुई हुई हैं, रोडों की क्या हालत हुई हुई है, कचरा कुंडियों की क्या हालत हुई हुई है। वजीर आला साहब ने तो मुहिम चलाई, रिजल्ट क्या आया, कचरे के पहाड़ जमा हुए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत के दावों के बरक्स कचरा कुंडियों और कचरा उठाने वाली गाड़ियों का भी इंतजाम न हो सका। वजीर बल्दियात ने मुहिम जारी रखने का दावा किया था। कराची के कई इलाकों में जिला शर्की जनूबी और मलीर से कचरा ताखीर से उठने की शिकायत आम नजर आती है।